जिम्मी जी शूट कर रहा हूँ यहाँ पे। चलिए ऑर्डर सर, टेक करो। अरे मतलब ये कहीं है। ऑर्डर, चलिए रोल कैमरा। मैम पोज लिए साइज पोज का। कोई बात। टेक करे? या रेडी। फाइव, टू, थ्री, फोर। अपने पास तो था।
हाँ इधर है ना, आप डोर दे रहे हो ना, रेडी रेडी बोल के आओ, उधर कोई अपना बंदा खड़ा करे बात।
प्ले करो
अभी लोबन डालना है लोबन सर Thank you.
लेकिन अभी उसको कोई नहीं पूछ रहा है तो इज ट्राइंग टू मेक अगेन सो दैट्स माय कैरेक्टर. अच्छा आप क्या प्ले कर रहे हो? मैं इसमें एसोसिएट प्रोड्यूसर प्ले कर रहा हूं. ठीक है, बहुत सिंसियर है अपने प्रोड्यूसर के लिए. अच्छा मेरे पिक्चर में पता चले. अच्छा ये मतलब बेसिकली सिंसियर बोली? नहीं नहीं नहीं, मेरी प्रोड्यूसर देखेंगे मीता वशिष्ठ, बहुत सिंसियर. अच्छा इनको देख के लगता है ये वुमनाइजर होंगे. I'm playing a wacky model, basically. Wacky model. Who wants to make it in life, but certain things that don't want to use when they can't make it. And I'm playing an actor. नहीं मैं इधर ही हूँ. दिस इज़ अवर वेब फिल्म जिसके लिए हम आज गाना शूट कर रहे हैं. एंड ये फिल्म का लास्ट गाना है और मेन गाना है जिसमें संभावना जी परफॉर्म कर रही हैं. एंड इट्स अ ग्रेट थिंग कि संभावना सेठ हमारे साथ इस फिल्म में आई हैं और इट्स इतना खूबसूरत गाना है जिसमें डांस बहुत अच्छा है. ऑडियंस को संभावना जी फिर से देखने को मिलेंगे. फिल्म का नाम है लाइट्स कैमरा मर्डर, इट्स अ मर्डर मिस्ट्री. और मेरे फिल्म के डायरेक्टर हैं जो उस तरफ खड़े हुए हैं, कपिल कौस्तुभ शर्मा. उन्होंने लिखी भी है ये फिल्म. एंड हम लोग सब वहीं उसी फिल्म से बिलोंग करते हैं, एक्टर्स डायरेक्टर्स एंड मैम संभावना जी. Honestly, मुझे जब ये फिल्म के लिए वेब सीरीज़ के लिए जब मुझे कॉल किया था, इनफैक्ट जब मैं मिलने गई थी मैं ऑलरेडी बहुत एक्साइटेड थी बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी माई फर्स्ट वेब सीरीज़. तो मेरे लिए बहुत मैं करना चाहती थी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, मैं कुछ ऐसा करना चाहती थी. बट अनफॉर्चुनेटली इनकी वेब सीरीज़ कम्प्लीट हो चुकी है और मैं सिर्फ सॉन्ग में हूँ. हाउ आई विश कि मैं पूरी वेब सीरीज़ में होती और कोई ना कोई कैरेक्टर और अच्छा रोल कोई कर रही होती. ऑफकोर्स नेगेटिव मे बी मेरा जो लुक है वो नेगेटिव ही आता है, बट आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड एंड आई एम सो वेरी हैप्पी टू बी वर्किंग विद देम बिकॉज एक तो ये यंगस्टर्स हैं जो बहुत कमाल का काम करना चाहते हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. एंड दे बोथ आर परफॉर्म, एक्चुअली थ्री ऑफ देम, तीनों परफॉर्म कर रहे हैं. अनिल इसमें हैं, युवराज हैं एंड शाहजहान इसमें हैं. बहुत ही अच्छा डांस कर रहे हैं बिकॉज थोड़ा सा ना डांसिंग में ऐसा हो जाता है कि आप प्रोफेशनल के साथ डांस करते हो तो थोड़ा बहुत घबराहट हो जाती है. इनको ये नहीं पता कि एक्चुअली मुझे भी इनके साथ डांस करके घबराहट हो रही थी बिकॉज दे आर सो गुड. और आई कैन ओनली विश देम ऑल द वेरी बेस्ट फॉर देयर सीरीज. It's an amazing experience so far, especially working with my good friend who I've known for a very long time, over 10-15 years, and to come together, to come to, so it's like a dream coming to India to shoot a Bollywood movie. I'm very fascinated by the role. The film project is amazing, the crew, the cast, everyone's amazing. So yeah, definitely looking forward to release of the film and urge everybody to watch the film, watch the web series, definitely. We are very, really lucky to get a very good ensemble cast. Like we have Meeta Vashan ji, excellent actor. Mona Mukherjee ke liye, everyone knows how excellent she is. And Sambhavna, the queen of dance. We have got, like, you know, we are very lucky to get a very good cast. And there is Deandra Suarez also, a very good model. And luckily we have managed to get a very good cast. And अब कोशिश यही की है कि अच्छी बनाने की एंड आई होप सबको अच्छी लगे. जो कैनवस है, इट्स लाइक दे से वेब इज स्टिल अंडर मेकअप व्हिच इज नॉट लुकिंग. व्हाट डू यू हैव टू से, आई मीन यू नो पुटिंग ऑन फिल्म विद द इक्वल
challenging is that? It is definitely challenging, but we are lucky. We have been able to get all the best people. Like, you know, I think agar hamare apne pe confidence ho, product acha ho, creative ho, to good people work with you. That's somewhere true. They cooperate. That is true. एक सेकंड मैं थोड़ा सा क्लैरिटी कर दूं, ये वेब सीरीज नहीं है, ये वेब फिल्म है। मैं भी सीरीज ही बोल रही हूँ। आई एम रियली सॉरी गाइस, मैं इसको सीरीज बोल रही हूँ, ये वेब फिल्म है। हाँ जी, आप पूछिए। आप मैसेज कन्वे करने के लिए कितना वेस्ट मीडियम हो गया और कितने अपॉर्चुनिटीज अभी बढ़ गई, देखा जाए तो लोगों के लिए फिल्में देखने के लिए, वेब सीरीज के थ्रू देखा जाए तो कंटेंट अभी मिल रहा है उन्हें जो ये बना रहे हैं। सबसे मेरा तो ये पहला एक्सपीरियंस है, बट मैं इसके बारे में हमेशा से बहुत सुनती आ रही हूँ कि ये बहुत बड़ा एक माध्यम बन गया है लोगों तक पहुँचने का, अपना टैलेंट दिखाने का। अब आपको ये नहीं है कि आप सिर्फ एक फिल्म का वेट करो कि अब मुझे फिल्म कब मिलेगी और मैं अपना काम दिखा सकता हूँ लोगों को। आई थिंक अब ये माध्यम ऐसा बन गया है जहाँ पे आप लोगों तक बहुत इजीली पहुँच सकते हो, और अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो वो डेफिनेटली क्लिक करेगा, और अगर लोगों को कुछ पसंद आ गया तो फिर देयर इज नो लुकिंग बैक। मोना जी, आपसे जानना चाहेंगे माय एक्सपीरियंस इन द फिल्म। मेरा रोल इस फिल्म में शायद सबसे ज्यादा यूनिक है, बाकी किसी का ऐसा रोल नहीं है। Everybody gets to romance, everybody gets to dance, but nobody gets to be a ghost. So I get to be a ghost. Baki sab mystery hai. Baki ab jab release hogi tab dekhiyega. Kab film ka release hoga? Soon, I think mostly in June or July. We are preparing flop actor in the film. So that is my character. I'm playing a flop superstar. So mostly I think in June or July, because after this song we have to work on post-production. Then within a 2 or 3 months we'll be ready for the release. क्योंकि इनसे अच्छा कोई डांस नहीं कर सकता। Yeah, she's great. ऐसा नहीं है, सब लोग अपनी अपनी जगह। पर युवराज को फीमेल ड्रेस में डांस करते हुए आप देखेंगे। कथक डांसर ऑल्सो, तो कथक की जिसको नॉलेज हो उसकी उसके बारे में हम लोग क्या बोलेंगे, तो आप इनसे पूछ रहे हैं। एक क्वाइट फोर्स है मैम, ये बंदा इज अ क्वाइट फोर्स, तो चुपचाप काम करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है, दुनिया भर के टैंटरम्स है करके ये बंदा काम करता है। अच्छा, ये इनसे सबसे पहले मैं मिली थी जब इसके लिए बात हो रही थी, सॉन्ग के लिए बात हुई थी, तो सबसे पहले मेरी मुलाकात अनिल से ही हुई थी। कपिल से, कपिल कपिल से हुई थी। तो मैं जब कपिल को हो जाता है, ठीक है कोई बात नहीं, कपिल से मिली थी। ये कपिल शर्मा से कपिल शर्मा याद आ जाता है ना सीधा, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं, सॉरी। कपिल से मिली थी मैं, और जब मैं कपिल से मिली तो मुझे ऐसा लगा कि वो तो ठीक है, ये तुम सारी बातें कर रहे हो, लेकिन बेटा पापा किधर है, पापा बात करेंगे ना सारी लोग। ऐसा लग रहा था कि पापा के ब्याह पे बच्चा बात कर रहा है। फिर मैं इनसे मिली, मैंने अपने आप को थोड़ा मनाया कि अच्छा ये है फिल्म के डायरेक्टर हैं, ठीक है यार, प्रोड्यूसर शायद कोई बहुत ही कोई बूढ़ा इंसान होगा। कट टू मेरी मुलाकात इनसे, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा कि मैं बच्चों के साथ काम कर रही हूँ, लेकिन ये जो बच्चे हैं बहुत कमाल का काम कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया काम किया इन्होंने यार। प्लीज लाइट्स कैमरा एंड मदर्स देखिएगा। बिल्कुल डेफिनेटली अच्छी चीज़ बनी है, और अच्छी चीज़ को लोग डेफिनेटली अप्रिशिएट करेंगे, और मेरा मानना यह है डेफिनेटली जो इनका काम मैं आज देख रही हूँ, इन्होंने डेफिनेटली बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया है जो लोग पसंद करेंगे। Thank you, all the best. Thank you so much. Thank you.
संभावन सोलो संभावन सोलो अरे जूमस ना मत सोलो सर अल्पड़े सर सोलो 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 कट पेस कर कट पेस कट पेस कर सोलो फिर अपना कम करने के मैम सोलो जस्ट बापू पीछे दिए चलो चलो सामने जरा प्लीज एक बार मुन्ना जी यू आर एक्सक्यूज आई जस्ट ओनली वन थ्री ओनली तीन लोग ओनली यू थ्री ओनली यू थ्री साइड में बस ओनली यू थ्री नाउ परफेक्ट चलो एवरीवन वेयर अभी कुछ देगा बहुत कुछ बनाओ ना बहुत स्टैग्नेंट है बहुत स्टैग्नेंट है कुछ बनाओ मुझे कैसे कैसे बनाओ लो कर लो बाहर हम लोग अभी हाँ हाँ ये बात हुई ना कुछ लवली थैंक यू लुक किया लुक कटप्पा कटप्पा ये कौन है थैंक यू सो मच सोलो 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 मैम सोलो मैम लुक राइट टू लेफ्ट दीजिए ना इसका आ रहा है बोल रिवर्स ले ठीक है अभी मत बोला मारो टमर चलो पहले बताए चलो माँ का समझे बहुत मन तो बहुत तो मन पहले बताओ मैम लुक हियर मैम मैम इधर मैम यहाँ पे बस हो गया ना बाकी बस ना हो गया ना थैंक यू मैम हो गया बस अरे हटना तो क्या हिला दिला रहा पास नहीं है खाली बस मैम लेफ्ट थैंक यू आइए यहाँ से स्टार्ट